एबीपी गंगा की टीम सरकारी दावों की हकीकत को समझने के लिए बिल्डिंग के भीतर दाखिल हुई। सांसद का दावा है कि विद्यालय चल रहा है, लेकिन सच क्या है आपको खुद ही देख लेनी चाहिए। आइए हमें दिखाइए कुशल के अंदर क्या क्या है, भवन क्या क्या बना हुआ। आप चलिए, आप दिखाइए आराम से। तो अंदर की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्डिंगों में जाले लगे हुए हैं, यहाँ पर बोरी रखी गई है, यहाँ पर समोता, यहाँ पर आलू उसमें रखे हैं। और कक्ष के अंदर का सीन दिखाते हैं, बंद है यहाँ, ये सब बंद है। अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी आधुनिक यहाँ पर व्यवस्था की गई थी दिव्यांग छात्र छात्राओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर टेबल्स देखिए, यहाँ पर बेड रखे हैं, कितने आधुनिक बेड हैं यहाँ पर। बेड की तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा ये बेड होगा। यहाँ पर देखिए कैसे ये सब टेबलें धूल खा रही हैं, यहाँ पर जाले लग गए हैं यहाँ पर। तो आप तस्वीर में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। आम आदमी की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में जाती है, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक तस्वीर और। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये पूरा कबाड़ खाना बना दिया है, यहाँ पर जाले लगे हुए हैं। यहाँ पर ये बालिका शौचालय है, शौचालय की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए सारी व्यवस्था बिल्कुल, सब बिल्कुल व्यवस्था चकाचौंध है। यहाँ पर सिर्फ इंतजार है छात्र छात्राओं का और इसे चालू करने का। आप जाला देखिए सामने कैसे लगा। यहाँ पर प्रधानाचार्य का कक्ष है, ये यहाँ पर कुंडी लगी है। यहाँ पर मैं आपको कुंडी खोल के दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ प्रधानाचार्य का कक्ष ही मुझे साफ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल साहब की एक साल पहले यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई थी, उन्हीं का जो कमरा है थोड़ा सा साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ पर चेम्बर नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठते होंगे, फिलहाल आज वो प्रिंसिपल साहब हैं नहीं। तो ऊपर से हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए कई बीघे में ये पूरा परिसर बनाया गया था। यहाँ पर वो सामने दिव्यांग छात्राओं के लिए हॉस्टल है, और सामने आप इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर दिव्यांग जो छात्र हैं उनकी रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। वो दिव्यांग छात्राओं के रहने की देखिए वो हॉस्टल बनाया गया है। कितनी आधुनिक बिल्डिंग है, सामने जो परिसर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिव्यांग छात्र छात्राओं को खेलने कूदने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर तो 2019 में सरकार को ये हैंडओवर हो गया था। 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 चल रहा है, 24 आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक इस स्कूल को चालू नहीं किया जा सका है। नियुक्ति प्रिंसिपल की कर दी गई है, छात्र छात्रा नहीं आ पा रहे हैं। बताया ही जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। तो विद्यालय के भीतर की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है, सच क्या है ये भी आपके सामने है। कन्नौज का समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, देखिए दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए छिबरामऊ के सराय सुंदर में विद्यालय का निर्माण किया गया। साल 2014 में दिव्यांग विद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली और सपा सरकार ने 17 करोड़ रुपए आवंटित इसके लिए किए गए। साल 2015 से दिव्यांग विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और उसके बाद साल 2019 में भवन को दिव्यांग कल्याण विभाग को सौंप दिया गया। शैक्षिक कार्य के लिए दिव्यांग कल्याण विभाग को इसको सुपुर्द कर दिया गया, सौंप दिया गया। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल भी बनाए गए। अभी तक इस विद्यालय में दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई तक शुरू नहीं हो पाई है और विद्यालय में ये भी आप जानिए कि ना तो छात्र हैं, ना ही शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर की गई है, साथ में प्रिंसिपल तैनात हैं सिर्फ, लेकिन अभी तक पढ़ाई यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है और इसी का तो इंतजार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, जो यंत्र वहाँ पर हैं वो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, ना कोई शिक्षक यहाँ पर है, ना कोई बच्चे यहाँ पर हैं और ना यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो पाई है। और देखिए इसी अब नहीं नहीं पढ़ते प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब आते हैं, रोज आते हैं, अपनी ड्यूटी बजा के और चले जाते हैं। और अच्छा भवन कैसा बना है? भवन तो अच्छा बना है मगर उसकी गंदगी तो बहुत अंदर है, भवन तो अच्छा बना है। तो इतनी खूबसूरत लगी है, किसी मंत्री तक का नहीं बना होगा घर, लेकिन अंदर खाट नहीं होगी, ऐसी मेज नहीं होगी। लेकिन स्वाभी क्या स्थिति है इस समय? तो भाई पड़ा हुआ है, सब कूड़ा भरा है, कहीं मकड़ी जाला है, कहीं कछु है, वो तो पड़ा है। कहीं वो तो बता रहे स्कूल चालू है, अब चालू तो भाई वो जाने, हम क्या मालूम है, हम तो लेबर आदमी। आपने नहीं देखा कभी यहाँ पर? नहीं नहीं, बच्चे और कोई नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर कभी इन्होंने यहाँ पर ना किसी छात्र छात्राओं को यहाँ पर पढ़ते हुए नहीं देखा यहाँ पर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।